Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 205, and our concern is to talk about myths and the myths about emotional outburst. When we talk about outbursts in the emotional context, there are different myths which are circling around us. And those myths as such. So we have to focus upon the realities rather than following blindly the myths. Abu what in the discussion? There is a very famous quote, as narrated, narrated by Helen Keller. The Helen Keller once said that the best and most beautiful things in the world cannot be seen or heard or even touched. They must be felt with the heart. aur jab tak हम उसको दिल से महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो चीज हमारे सामने ऐसे demonstrate नहीं कर पाएगी, जैसे दरअसल उसकी हकीकत वहाँ पर हो. At another place, Helen Keller once said. कि द ब्लाइंड आर नॉट पीपल हु कैन नॉट सी ब्लाइंड आर द पीपल हु डू नॉट हैव द विजन सो हमें विजनरी होना पड़ेगा अब हेलन कैलर की स्टेटमेंट में यह बात बहुत क्लियरली एविडेंस के तौर पर हमारे सामने आ रही है कि वी हैव टू बी कंसर्न वी हैव टू बी कनेक्टेड वी हैव टू बी एफिलियेटेड एंड एसोसिएटेड बिकॉज उस कनेक्शन एफिलिये एंड एसोसिएशन के बगैर सिर्फ किसी शख्स का पास होना किसी चीज को आप देख लो ये चीज मुमकिन नहीं होगी कि वो आपके साथ जज्बात की सही अक्सी वो कर पाए हमें दिल से लोगों को महसूस वो करना होगा जज्बात की अक्सी वो करनी पड़ेगी उसके बगैर यह मामला इनकम्प्लीट वो रहेगा देर फोर याद रखें कि वेन इज डीलिंग विदीपल इट इज नॉट जस्ट दैट इज प्रेजेंट विद इट दैट दैट द पर्सन इज देयर एंड इन्वॉल्व विद देम इमोशनली और उसकी एम्पथी वो डेमोन्स्ट्रेट हो रही हो अब इस हवाले से डिफरेंट मिथ्स की जब हम बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट मिथ इज के देर इज नो प्लेस ऑफ इमोशनल डेमोन्स्ट्रेशन इन द वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इमोशंस को बिल्कुल भी इनकॉर्पोरेट वो नहीं करेंगी जिसके बरक्स दिस इज अलिटी इज डिफरेंट

वो उनकी नीड्स और जरूरियात को मद्देनजर रखे और तभी वो एक अच्छा लीडर वो बन पाएगा इंपॉर्टेंट थिंग इज कि विल स्क्यू द डिसीजन डिसीजन मेकिंग मेकिंग हमारा किसी एक तरफ ज्यादा हो जाएगा हमारा रुझान किसी एक तरफ बढ़ जाएगा हम फेवरेटिजम या एटीट्यूड के शिकार वो हो सकते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में बायसनेस आ सकती है हम ह्यूरिस्टिक्स के शिकार वो हो सकते हैं जिसमें कि हम डिफरेंट तरह के जजमेंटल शॉर्टकट्स वो कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ द इमोशनल एसोसिएशन लेकिन दरअसल याद रखें कि हर शख्स के पास इंसान होने के नाते जज्बात तो हैं और उसका डिसीजन मेकिंग वंस वंस बेस्ड बेस्ड द द रेसनेलिटी वुड बी लेस्ट इंफ्लुएंसड बाय द इमोशंस अलोन। देअर फोर अब इन सब चीजों को हमने टैकल कैसे करना है टैकल करने के लिए द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट फ्यू टेप्स द फर्स्ट स्टेप इज दट स्पॉट द इमोशन सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि वो इशू है क्या जिसको हमें एड्रेस करना है द सेकेंड थिंग इज लिसन टू दीपल एंड यू हैव टू लिसन लिसन केयरफुली एंड एक्टिवली बिकॉज एक्टिव लिसनिंग से ही हम लोगों के असल जज्बात को जान भी सकते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान भी कर सकते हैं द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज आज क्वेश्चन बिकॉज सवाल पूछने से बहुत सी क्लैरिटी वो क्रिएट हो पाएगी एंड द फोर्थ बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज रिजॉल्व इट

इन कनेक्शन विद द पीपल और उस केयरफुल और कॉन्शियस एटीट्यूड के अंदर हमें माइंडफुल भी रहना है हमें एविडेंस बेस्ड को भी मद्देनजर रखना है और हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि इमोशनल आउटबर्स के लोग शिकार वो ना हो हम उनके लिए ट्रिगर पॉइंट वो दूर कर पाए ताकि वो अपनी बेहतर काबिलियत के साथ काम को पाए तकमील तक पहुंचा सकें